गाइज, इस फ़ोन में जो है ना, आप यूँ कह लें इसमें तीन बड़े मेजर इशू हैं अगर आप ये फ़ोन 2023 में बाय करते हैं तो। गाइज, एक मेजर इशू ये है कि ये फ़ोन जो है ना फुली एज स्क्रीन है, मतलब कर्व स्क्रीन है। अगर आप ये फ़ोन बाय करते हैं तो काफ़ी ध्यान से आपको यूज़ करना होगा। हेलो गाइज, दिस इज़ नकीब शिनवारी एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा सैमसंग नोट 10 प्लस के बारे में कि 2023 में ये फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले मैं फ़ीचर्स की बात करूंगा कि इस डिवाइस में जो है ना आपको क्या क्या फ़ीचर्स आपको देखने को मिलेंगे और 2023 में ये आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये फ़ोन जो है ना दिखने में काफ़ी हैवी लगता है। आप किसी दूसरे के हाथ में देखेंगे, आप बोलेंगे यार ये काफ़ी हैवी वेट सेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप कैरी करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काफ़ी लाइट वेट सेट है। ये डिवाइस जो है ना फुली IP68 वाटर रेजिस्टेंट में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पानी वगैरह में वीडियो वगैरह बनाते हैं तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन फुली वाटर रेजिस्टेंट है। इस सैमसंग में जो है ना आपको चार कलर देखने को मिल जाएंगे। ब्लैक भी मिल जाएगा इस तरह से, वाइट भी मिल जाएगा, ब्लू भी मिल जाएगा। मेरे पास जो वेरिएंट है गाइज, ये ओरा ग्लो कलर है, काफ़ी ग्लोइंग कलर है। काफ़ी लोग जो है ना इस कलर को बाय करते हैं, ये काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है। गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस जो है ना बताता हुआ चलूँ। अगर आप सैमसंग का नोट 9 आपके हाथ में होगा, इस तरह से नोट 20 वगैरह बाकी वेरियंट आपके हाथ में होंगे, तो गाइज इसमें जो है ना पावर का बटन जो होता है वो राइट साइड पे दिया होता है। लेकिन इस डिवाइस में सैमसंग नोट 10 प्लस में ऐसा नहीं दिया। अगर आपको पावर बटन प्रेस करना है तो आपको लेफ्ट साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम बटन दोनों देखने को मिल जाएंगे, राइट साइड पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सैमसंग नोट 10 प्लस में जो है ना आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। इस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो है ना ये काफ़ी फास्ट है, स्लो नहीं है। मैंने 2-3 दफ़ा प्रेस किया, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे जो है ना इस तरह से वन प्लस वगैरह के जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होते हैं काफ़ी बड़े साइज़ पे बने होते हैं, जब आप प्रेस करेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं होती। यहाँ भी कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन स्कैनर जो है ना काफ़ी छोटा दिया है। गाइस, डिस्प्ले के ऊपर बात करें तो सैमसंग नोट 10 प्लस में आपको 6.8 इंचेस का कॉर्नर टू कॉर्नर 1440p सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, नो डाउट सैमसंग नोट 10 प्लस में जो है ना काफ़ी ब्राइट स्क्रीन है। अगर आप कोई मूवी वगैरह देखते हैं या आप कोई पिक्चर वगैरह क्वालिटी आपको चेक करनी है तो गाइज डिस्प्ले जो है ना काफ़ी ब्राइट है। आपको जैसे बाकी फ़ोन में डिम डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं, सैमसंग नोट 10 प्लस में जो है ना आपको ब्राइटर जो है ना डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बट गाइज, यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करूँ, सैमसंग नोट 10 प्लस में आपको 60Hz का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अगर आपके पास वन प्लस का 7 प्रो होगा गाइज, वो भी 90Hz का डिस्प्ले है। जब भी मुझे जो है ना डिस्प्ले और बाकी चीज़ों में वन प्लस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। डिस्प्ले जो है ना अगर आप रिफ्रेश रेट देखते हैं इसका तो गाइस काफ़ी स्मूथ चलता है, कोई मसले वाली बात नहीं होती है। मैंने इसको चेक भी किया है, इसको गेमिंग में भी चेक किया है, एप्लीकेशंस वगैरह हर चीज़ डाउनलोड वगैरह करके, उसके बाद जो है ना मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मोबाइल ये डिवाइस जो है ना स्लो हो गया हो। गाइस, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले जो है ना आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से फ्रंट पे जो है ना पंच होल कैमरा भी आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट पे जो है ना आपको 10 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। बैक पे जो है ना आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा। 16 मेगापिक्सल जो है ना वाइड एंगल देखने को मिल जाएगा। 12 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाएगा और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा आपको। गाइस, सैमसंग नोट 10 प्लस में जो है ना मैंने 2-4 तस्वीरें ली हैं, आप देख सकते हैं, वाइड एंगल में भी देख सकते हैं, टेलीफोटो लेंस में भी देख सकते हैं। गाइस, नो डाउट सैमसंग का कैमरा जो है बनिस्बत दूसरे फ़ोनों से ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आप इसके सामने ओप्पो या वीवो कोई फ़ोन अगर आप सामने करते हैं तो गाइज़ आपको पता भी होगा ओप्पो और वीवो में काफ़ी फ़िल्टर्स जो है ना यूज़ होते हैं, लेकिन सैमसंग जो है ना वाहिद ऐसा फ़ोन है जिसमें आपको फ़िल्टर नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट जिस तरह से आप मिरर में देखते हैं इस तरह से जो है ना आपको फ्रंट और बैक कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी के ऊपर बात करें तो 4300 mAh की बैटरी है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं दिन भर में तो गाइस कोई मसले वाली बात नहीं है, बैटरी टाइमिंग आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। और दूसरी बात, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है। आप इसमें 45 वॉट का जो है ना चार्जर आप लगा सकते हैं, समझिए कि 20-25 मिनट में जो है ना आपका मोबाइल जो है ना 80% तक तो एटलीस्ट चार्ज हो जाएगा। टाइप सी पोर्ट जो है ना आपको देखने को मिल जाएगा, और इस तरह से जो है ना स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा, और इस तरह से एस पेन का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस, ओरा ग्लो कलर में ये है, इसमें जो है ना आपको जो पेन मिलता है ये एक तरह से पर्पल कलर भी आप इसको कह सकते हैं, पर्पल शाइनी कलर है। गाइस, एस पेन में जो है ना आपको क्लिक भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप कुछ काम वगैरह कर रहे हैं तो गाइस ये क्लिकेबल है,
कोई भी वर्क कर रहे हैं इजीली आप कर सकते हैं। गाइज मैंने इस एस पेन के ऊपर बात करूं तो गाइज काफ़ी स्मूथ होता है। गाइज अगर आप कुछ भी राइट करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो काफ़ी स्मूथली जो है ना आप नोट पैड पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी राइट कर सकते हैं। गाइज एस पेन की क्वालिटी नोट 9 से एटलीस्ट 1000 गुना बेहतर मैं कह सकता हूँ, ये बुरा नहीं होगा। तो गाइज एस पेन में जो है ना ये क्वालिटी है। अगर आप कोई पिक्चर वगैरह भी स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो गाइज सिंपली जो है ना आप एस पेन पे जो है ना क्लिक करेंगे, इस तरह से स्क्रीनशॉट जो है ना आपके सामने आ जाएगी। तो गाइज एस पेन जो है ना उन लोगों के लिए काफ़ी काम का है जो जिनका वर्क जो है ना काम वगैरह ज़्यादा है, टीचर वगैरह ज़्यादा है तो नोट डाउन वगैरह करते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एस पेन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे काम को तो कुछ भी नहीं है, एस पेन को तो हम हाथ भी नहीं लगाते, इतना टाइम कहाँ होता है यार एस पेन को बंदा हाथ लगाए कि यार इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं करते हम लोग। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको एस पेन की भी बड़ी नीड पड़ती है। प्रोसेसर के ऊपर बात करूँ तो 855 का स्नैपड्रैगन है। उससे काफ़ी गेमर लोग पूछते हैं कि भाई जो है ना इसमें पबजी का भी बताएं कि पबजी अच्छे से चलता है कि नहीं। तो गाइज नोट 10 प्लस में आप पबजी चला सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई लेक वगैरह वाली बात नहीं है। 855 का स्नैपड्रैगन है, इसमें आपको 8GB रैम वाला भी मिल जाएगा, इस तरह से 12GB रैम वाला भी आपको फ़ोन मिल जाएगा, 8GB रैम और 128GB मेमोरी, और इस तरह से 12GB रैम और 512GB मेमोरी और 256GB मेमोरी तक भी ये फ़ोन आपको मिल सकता है। गाइस इस फ़ोन में जो है ना एक चीज़ बड़ी काम की है, मैंने इसको आधे घंटे से मेरे हाथ में मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई हीटअप इशू मुझे नहीं दिखा। मतलब मेरे पास वन प्लस के भी फ़ोन आए थे, मतलब उसको मैंने मैक्सिमम भी 15 से 20 मिनट भी मेरे हाथ में होता था तो गाइज़ वो हीटअप जो है ना स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि बगैर बैक कवर के मेरे हाथ में ये फ़ोन है। तो गाइज़ ये मेरे हाथ में जो है ना आधे घंटे से गाइज़ मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि मोबाइल हीटअप हो रहा हो या गर्म हो रहा हो। तो गाइज़ सैमसंग में जो बाकी फ़ोन थे जो है ना प्रीवियस मॉडल में जाए तो गाइज़ अगर आप 5 मिनट भी आपके हाथ में होता था तो ये गर्म हो जाता था। तो गाइज़ सैमसंग नोट 10 प्लस में ये क्वालिटी है, जब तक आप इसके ऊपर हैवी वर्क नहीं करेंगे तो ये हीटअप ईजिली नहीं होता। फीचर्स की पर बात हो गई, अब आते हैं काम की बात पे कि 2023 में ये फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं। गाइज इस फ़ोन में जो है ना आप यू के लिए इसमें तीन बड़े मेजर इशू हैं अगर आप ये फ़ोन 2023 में बाय करते हैं तो। गाइज एक मेजर इशू ये है कि ये फ़ोन जो है ना फुली एज स्क्रीन है, मतलब कर्व स्क्रीन है। अगर आप ये फ़ोन बाय करते हैं तो काफ़ी ध्यान से आपको यूज़ करना होगा। अगर ये आपके हाथ से गिरा या तो ग्लास डैमेज या तो डिस्प्ले डैमेज, और आपको पता भी होगा सैमसंग की जो स्क्रीन है ना कितने कॉस्टली होते हैं। सैमसंग नोट 10 प्लस का अगर आप स्क्रीन बाय भी करते हैं, मतलब आपसे गिर भी जाए, टूट जाए, तो एटलीस्ट इसका स्क्रीन जो है ना 30 से 35 हज़ार रुपये का स्क्रीन है। गाइज अगर आपको ये फ़ोन बाय करना है तो आप ये जहन में रख लें कि ये फ़ोन जो है ना काफ़ी सेंसिटिव है। अगर आपका ऑफिस वर्क वगैरह है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अगर आपका आना जाना और इस तरह से आउट वगैरह आउटडोर वगैरह का काम ज़्यादा है, मतलब आप ये फ़ोन जो है ना हर जगह कैरी करना चाहते हैं, तो आप ये जहन में रख लें कि आपको इसको काफ़ी केयरफुली यूज़ करना होगा। तो गाइज नंबर सेकेंड इशू पर बात करते हैं, अगर आप सैमसंग का फ़ोन बाय करते हैं नोट 10 प्लस, तो गाइज इसका बैक जो है ना ये भी ग्लास के ऊपर बना है। तो गाइज अगर आपसे टूट जाए, गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो गाइज बैग तो जो है ना वो चेंज तो हो जाएगा, लेकिन ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं रहेगा। मतलब अगर आपने शुरू में लिया तो वाटर प्रूफ होगा, लेकिन गाइज इस फ़ोन का अगर एक दफ़ा बैक ग्लास टूट गया तो गाइज ये दोबारा वाटर रेजिस्टेंट नहीं रहता। तो गाइज ये चीज़ जहन में रख लें कि ये फ़ोन काफ़ी सेंसिटिव है। गाइज नंबर थर्ड इशू पर बात करते हैं, एक तो सेफ्टी आ जाता है इसमें, और इस तरह से मैं इसमें डिज़ाइन भी इंक्लूड कर देता हूँ। गाइज इस वक्त 2023 में काफ़ी लेटेस्ट जो है ना डिज़ाइन आ गए हैं, काफ़ी स्क्वायर शेप में, और इस तरह से काफ़ी जो है ना खूबसूरत जो है ना डिज़ाइन आ चुके हैं। लेकिन गाइज ये डिज़ाइन जो है ना थोड़ा सा ओल्ड फैशन में आ जाता है। गाइज सेफ्टी के ऊपर बात करूँ, गाइज ये फ़ोन अगर आप जब भी बाय करें तो गाइज इसके ऊपर जो है ना आपको यूवी ग्लास लाजमी लगाना है। इसके बगैर आप अगर ये फ़ोन बाय करते हैं तो मत बाय करें मेरे हिसाब से। गाइज वो ये वजह होती है, अगर आप यूवी ग्लास लगाते हैं तो गाइज ये स्क्रीन जो है ना प्रोटेक्ट हो जाती है। तो गाइज ये इशू के ऊपर नहीं, सेफ्टी के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर आप सेफ्टी को जो है ना आप साइड पे रख देते हैं तो गाइज ये आपके लिए 20 से 25 दिन भी जो है ना यूज़ करना मुश्किल हो जाएगा। तो गाइज अगर आप ये फ़ोन बाय करते हैं तो इस पे जो है ना एक यूवी ग्लास लगाएं, उससे जो है ना ये मोबाइल फुली कवर हो जाएगा। और गाइज बैक पे भी जो है ना आप सेफ्टी के लिए कुछ लगा सकते हैं, और इस तरह से फ्रंट पे यूवी ग्लास लगा सकते हैं। तो गाइज अगर आप सैमसंग नोट 10 प्लस बाय करना चाहते हैं तो गाइज सेफ्टी आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्राइस के ऊपर बात करते हैं, अगर ये फ़ोन सैमसंग नोट 10 प्लस अगर आप ऑफिशियल अप्रूव बाय करना चाहते हैं
तो ये आपको अराउंड 1,20,000 और इस तरह से 1,15,000 रुपए में पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप ऑफिशियल अप्रूव बाय नहीं करते हैं, नॉन पीटीए बाय करते हैं या पैच वाला फोन बाय करते हैं, तो वो 70,000 से 75,000 रुपए में मार्केट में देखने को मिल जाएगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको सैमसंग नोट 10 प्लस बाय करना है और आपको चेकिंग का तरीका नहीं पता कि मैं अगर मार्केट में जाऊँ तो नोट 10 प्लस को किस तरह से बाय करूँ, तो गाइज़ ये वाली वीडियो जो है ना आप देख सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है आपको मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्त नकीब शिनवारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।